It's love and love. मैं एकलव्य, ये मेरी कहानी है जिसकी शुरुआत होती है मेरे जन्म से। परंतु मेरी जन्म कुंडली से जब इस सत्य का पता चला कि मेरी मृत्यु मेरे अपने ही कुलवंशी के हाथों होगी, मेरी माता श्री ने मुझे यदुवंश से दूर करने का निर्णय लिया। किंतु यदुवंश के विनाश की सौगंध खाने वाले मगध नरेश जरासंध के हाथों मेरे प्राणों की रक्षा करते हुए मेरी माता श्री ने अपने प्राण गंवा दिए और मैं एक माता की गोद से बिछड़ कर जंगल का बेटा बन गया। ये मेरा सुमेरु का पुत्र कहलाएगा। एकलव्य, उड़ तो तुम भी सकती हो। हाँ, वो देखो कहाँ है किटन। तुम मंत्र हो गए मेरे सामने। तारू ने बोलो उन्हें जल्दी चूल्हे से नीचे उतारे। शिकार खुद ब खुद चल कर आता। संभाल के त्रिपुरा, कहीं चोट तो नहीं लगी ना। नहीं। वैसे भी हम पुतल पहुंच गए। वो देखो पुतल का झूला। दीदी, इस झूले में बैठने से मेरी तबीयत हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। पता है लोग कहते हैं कि उस झूले पर बैठकर अच्छी अच्छों की परेशानियां दूर हो जाती हैं, सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो तुम्हारी तबीयत भी एकदम ठीक हो जाएगी। जरूर मैं बीते हुए काल में हूं। दीदी, पुष्किन की दुनिया में आकर इतनी आसानी से वापस चले जाओगे? ये कैसे हो सकता है? छोड़ो मारो तू, छोड़ो मेरे भाई को, उसका हाथ क्यों पकड़े, छोड़ो। हम तो यहाँ उसकी सेहत ठीक कराने आए थे। अरे वाह, मेरे झूले की कहानियाँ लोगों तक पहुँच रही हैं। वाह, बहुत अच्छे। क्या कहते हैं लोग, करामाती झूला। कोई भी परेशानी हो तो पुत्तल का झूला। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, ये सब झूठ है। कहानियां हैं कहानियां जो मैंने बनाई हैं। छोड़ो उसका हाथ, चाहते क्या हो तुम? छोड़ो, चाहते क्या हो तुम? छोड़ो मेरे भाई को। ये क्या बना दिया तुमने मेरे भाई को? मुझे मेरा भाई वापस चाहिए, वापस दो मुझे मेरा भाई। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा भाई मुझे लौटा दो। पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक सहारा है मेरा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे भाई कर दो इसे।
फिर मेरा क्या होगा? मेरे जैसे कठपुतले को जीने के लिए इंसानों को कठपुतली बनाते रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? मैं इंसानों को कठपुतले बनाता हूँ और उनका जीवन लेता हूँ। मेरा जीवन है ये इंसान, मैं बनाता हूँ इन्हें पुतले और इनका जीवन लेकर बढ़ाता हूँ अपना जीवन। पर अब ये काम तुम करोगे। तुम मेरे लिए कठपुतले लाओगे, तुम उन बच्चों के पास जाओगी और उन्हें कठपुतलियां बनाओगी और मेरे पास लेकर आओगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। अपने भाई की जैसी छोटी उम्र के बच्चों के साथ मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। क्या कहा तुमने? अब भी नहीं? मत करो ऐसा, मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के, तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूंगी। छोड़ मेरे भाई को। इसी तरह मैं पुतलों से जीवन निकाल कर बढ़ाता हूँ अपना जीवन। तुम्हारे भाई के अंदर जीने लायक जीवन छोड़ा है मैंने। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जो जीवन इसके पास बचा है उसे भी खींच लूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। बस मेरे भाई को कुछ मत कर, कुछ मत करो मेरे भाई को। तो ठीक है। ये लो, ये जादू की छड़ी है। इस छड़ी से तुम किसी को भी अपने वश में कर सकती हो। ये छड़ी हथियार भी है और मंत्र भी। जिसे भी तुम इस छड़ी से छू लोगी वो कठपुतली बन जाएगा। ले लो। ये भी लो। पर मैं बच्चों को पुतला कैसे बनाऊंगी? अब पुतला बनाकर तुम्हारे पास कैसे लाऊंगी? लोग देख लेंगे, पकड़ लेंगे मुझे और फिर चुड़ैल बताकर मुझे मार देंगे और तुम मेरे भाई को। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं पकड़ेगा, कोई तुम्हें चुड़ैल नहीं कहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास दुनिया की सबसे अनोखी सवारी होगी। सबसे अनोखी सवारी, वो देखो। जाओ उसमें बैठो, जाओ। जाओ और बैठो इस पे। जाओ और मेरे लिए बच्चे लेकर आओ और बनाओ उन्हें पुतले। याद रखना, मुझे हर दिन एक बच्चा चाहिए। जिस दिन बच्चा नहीं आया, समझ लेना कि वो दिन तुम्हारे भाई के जीवन का अंतिम दिन होगा। समझ गई? और याद रखना,
यदि तुमने मेरे बारे में किसी को बताया या मेरा नाम किसी को पता चला तो वो दिन भी तुम्हारे भाई के जीवन का अंतिम दिन होगा। तुम्हारे हर पल हर कदम की जानकारी मुझे मिलती रहेगी। तुम्हारी एक भूल से तुम्हारे भाई की जान जा सकती है। उस राक्षस को सूचना मिल गई थी, इसलिए मैं तुम्हें वापस बाहर ले आई। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। अच्छा, तो शैतान का नाम उश। मैंने कहा ना तुम्हें, उस शैतान का नाम मत लेना, नहीं तो वो मेरे भाई को मार देगा। अपने भाई के जीवन के लिए तो मैं ये पाप करती आ रही हूँ। बच्चों को चुराती हूँ, उन्हें पुतला बनाती हूँ और फिर उस शैतान को सौंप देती हूँ ताकि वो मुझे कटजीवनी दे दे। ये कटजीवनी क्या है? क्या ये कटजीवनी? कटजीवनी एक जीवनदायक जल है जिसे वो राक्षस अपने महल में एक सुनहरी सुराही में छिपा कर रखता है, पर हर वक्त उसकी नजर उस सुराही पर रहती है। मैंने कई बार कोशिश की, मैं महल में गई भी और उस जीवनदायक जल का एक बूंद भी नहीं ला सकी। मैं लाऊंगा कटजीवनी। अब तुम कठपुतलियां लेकर उस शैतान के पास जाना और मुझे भी साथ ले जाना। तुम उसे कठपुतलों में व्यस्त रखना और तब तक मैं कटजीवन ले आऊंगा। नहीं, यह संभव है? तुम कटजीवनी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि उस पे हमेशा उस राक्षस की नजर रहती है। तुम बस मुझे महल तक पहुंचा दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। क्या किया तुमने? क्यों किया? अपना जीवन दांव पर क्यों लगाया तुमने? मालिक, आपके लिए शिकार लाई हूं। लाओ, मुझे दो। नहीं नहीं, मैं ही रख देती हूँ। आओ। लेकर आओ। मालिक, अब तक आपको 70 पुतली दे चुकी हूं मैं, केवल एक बार मुझे मेरे भाई से बात करवा देते। तुम्हें तुम्हारे भाई का स्वर कम सुनाई देता है ना? अधिक स्वर सुनना है तो ठीक है, मैं उसे अभी समाप्त कर देता हूँ। ये क्या किया तुमने? मेरी आंखों के सामने मेरी कटजीवनी को चुराने की कोशिश कर रही थी? किसके लिए? अपने भाई के लिए ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को अभी इसी समय समाप्त कर देता हूं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि पुष्किन में कितनी शक्ति है। आज मैं तुम्हें ऐसी यातनाएं दूंगा तुम सदा याद रखोगी। चल! 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 चल!
ये तो चार है, वो तो पांच लेकर आई थी। ग्रेट कहाँ है? तो तुम हो, तुमने और उस औरत ने मिलकर मेरे विरुद्ध चाल चली है। अब देखो मैं उस औरत के भाई और तुम्हारे साथ क्या करता हूं। मेरी दुनिया में मेरे नियम चलते हैं और यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और जो हस्तक्षेप करता है उससे मृत्यु मिलती है, मृत्यु। बस कुछ और पल, उसके पश्चात तुम भी इन पुतलों की तरह पुतले बन जाओगे। क्यों ना मैं इस कट जीवनी को ही समाप्त कर देता हूं, ना रहेगी ये कट जीवनी और ना रहेगी इंसानों की पुतले से वापस इंसान बनने की उम्मीद। ये क्या किया तुमने? इन सब में डालो। अब इसका क्या करें? जाओ। इकट जीवनी किसी और को पिलाना बाकी है। भाई
मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि दोबारा अपने भाई को कभी देख भी पाऊंगी, कभी मिल भी पाऊंगी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। धन्यवाद। देखो ना, इतनी सारी बातें कर ली, पर अब तक तुमसे तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। जिसने मेरे भाई को जीवन दान दिया, उस पुण्य आत्मा को किस नाम से जानेंगे हम? एकलव्य।